मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, करेक्ट? ध्यान से देखिए, इधर हमने रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड फाइंड किया था, रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड फाइंड किया था ए इक्वल्स ए कॉस फाई नॉट थीटा, और फाई क्या है? फेज डिफरेंस बिटवीन सुपर इंपोजिंग वेव. अब यहां हमें इस फॉर्मूले से ये क्लियर है कि रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड डिपेंड करता है सुपर इंपोजिंग वेव्स के एम्पलीट्यूड्स पर, और साथ ही डिपेंड करता है दोनों दोनों वेव्स के बीच फेज डिफरेंस पर, कि दोनों वेव्स एक दूसरे को किस फेज डिफरेंस से मीट कर रही है, करेक्ट? आपने दो वेव कहीं बना ली, दो वेव यहां मीडियम में चल रही है, देखिए दो वेव चल रही है इस मीडियम में, इस टाइम भी आपके सामने दो कॉलम आपके यहां रखे हुए हैं, इन दोनों कॉलम से दो वेव्स आप तक पहुंच रही है, आप तक भी दो ही पहुंच रही, थोड़ा सा इंक्लाइंड है लेकिन आपके तो सामने पड़ रहे हैं, दो वेव्स यहां पहुंच रही है, इन दोनों वेव्स के बीच में इंटरफेरेंस हो रहा है, यहां इस रूम में इंटरफेरेंस हो रहा है, लेकिन वो इंटरफेरेंस इतना अनस्टेबल है कि हम उसको फील नहीं कर पा रहे. दो वेव आपने मीडियम में चला ली, दो वेव जब आपने ले ली तो उनके एम्पलीट्यूड फिक्स हो गए A1 और A2. दो कॉलम रखे हुए हैं, एक कॉलम से निकल रही है वेव, उसका अपना एम्पलीट्यूड है, दूसरे कॉलम से निकल रही है वेव, उसका भी अपना एम्पलीट्यूड है, और बाय द वे यहां दोनों एम्पलीट्यूड एक दूसरे के इक्वल है, क्योंकि दोनों ही कॉलम से ऑलमोस्ट सेम इंटेंसिटी की साउंड यहां से निकल रही है. जब आपने मीडियम में दो वेव इस्टेब्लिश कर ली हैं, तो A1 A2 फिक्स हो गए. अब यहां इस फॉर्मूले में क्या रह गया वेरिएबल, इस फॉर्मूले में क्या वेरिएबल रह गया? फाई, फेज डिफरेंस रह गया. फेज डिफरेंस पोजीशन से पोजीशन बदलता जाएगा, दो वेव्स हैं, यहां कुछ और है इनके बीच फेज डिफरेंस, यहां कुछ और है वहां कुछ और है, डिपेंड करता है दोनों वेव्स के सोर्स आपस में कितने ओरिएंटेशन पर है, किस पोजीशन पर है, डिपेंड करता है कि आप इनके सामने किस पोजीशन पर ऑब्जर्व कर रहे हैं, करेक्ट? तो मैक्सिमा बनना या मिनिमा बनना दो गिवन वेव्स के लिए केवल किस पर डिपेंड है फाई पर डिपेंड है. तो अब फॉर ए टू बी मैक्सिमम, ए मैक्सिमम होने के लिए कॉस फाई मस्ट बी मैक्सिमम, क्योंकि A1 A2 तो बदल ही नहीं रहे. अब कॉस फाई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी पॉसिबल है, कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू वन, कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी पॉसिबल है? वन. ये कब पॉसिबल है? फाई की वैल्यू या तो कॉस जीरो हो या फिर इसके आगे, नहीं 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 180 नहीं 360 का मीनिंग 2 पाई हो या फिर 4 पाई हो एंड सो ऑन. तो ये जो फाई है ये आपका होना चाहिए वही जो हमने पहले डिस्कस किया है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई. क्या होना चाहिए इसको? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई रेडियन होना चाहिए. क्लियर हो गई बात? हमने वैसे ही डिस्कस कर लिया था, यहां से हम मैथमेटिकली से प्रूव कर रहे हैं कि मैक्सिमा बनने के लिए नेसेसरीली दोनों सुपर इंपोजिंग वेव्स के बीच का फेज डिफरेंस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई होना चाहिए, जहां एन की वैल्यू कितनी से स्टार्ट होती है एंड सो ऑन. अब कितना होगा ए मैक्सिमम? आपको पता लग गया, आपने डिसाइड कर लिया कि कॉस फाई की वैल्यू 1 होनी है, हिसाब लगा लिया, एडजस्ट कर लिया सब कुछ, कितना होगा ए मैक्सिमम एम्पलीट्यूड? ए मैक्सिमम कितना हो जाएगा? ए मैक्सिमम होगा अंडर रूट ए स्क्वायर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस A1 A2 और कॉस फाइव
होना ही है प्लस वन। आपको एडजस्ट ही ऐसे करना है कि कॉस वाई की वैल्यू वन प्लस वन हो जाए। तो फिर अब आपका ए मैक्सिमम कितना बचा बताइए, ए वन प्लस ए टू होल स्क्वायर से रूट कर दिया। क्या रिजल्ट निकल कर आया कि जहां मैक्सिमा बन रहा है वहां रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड इंडिविजुअल वेव्स के एम्पलीट्यूड के सम के इक्वल होगा। टंग ट्विस्टर अगेन, द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव इज इक्वल टू द सम ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल वेव। और जैसे कि कल हमने डायग्राम ये बनाया ही था, ये डायग्राम कल ड्रॉ किया था, क्या कि एक वेव का एम्पलीट्यूड एक सेंटीमीटर है, दूसरी वेव का एम्पलीट्यूड दो सेंटीमीटर है, तो फिर रिजल्टेंट वेव कहां चली जाएगी, ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 3 सेंटीमीटर पहुंच जाएगा। ये नेट एम्पलीट्यूड मैक्सिमा पर नेट एम्पलीट्यूड कितना हुआ, ए वन प्लस ए टू। क्लियर हो इतनी बात, पक्का क्लियर हुआ। अब मैक्सिमा बनने के लिए हमने एक कंडीशन तो फाइंड कर ली है, क्या कि फेस डिफरेंस होना चाहिए इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2π। दूसरी कंडीशन हम पार्ट डिफरेंस की फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, फाई की वैल्यू अगर n इंटू 2π रेडियन है तो फिर कॉरेस्पॉन्डिंगली पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स डीएक्स लिख दो या डेल्टा एक्स लिख दो, एक ही बात है। कितना हो जाएगा डीएक्स इज इक्वल टू, बोलिए, अच्छा पूरा फॉर्मूला बोलिए ना पहले, लैम्डा बाय 2π इंटू डेल्टा फाई डी फाई। तो लैम्डा बाय 2π और फेज डिफरेंस कितना, एन इंटू 2π। मतलब क्या होना चाहिए, पार्ट डिफरेंस मस्ट बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा। दो कंडीशंस आपके सामने निकल कर आ गई कि मैक्सिमा बनने के लिए सुपर इंपोजिंग वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस होना चाहिए इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2π रेडियन में, क्योंकि एंगल है तो ये रेडियन में। या फिर देखिए ये कंडीशन कोई अलग अलग नहीं है, ये भी और ये भी एक ही चीज के दो रूप है, दोनों सिनोनिम बन गए। अभी मैक्सिमा बनने के लिए इन टर्म्स ऑफ फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, मैक्सिमा बनने के लिए इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ क्या होना चाहिए, पार्ट डिफरेंस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। अभी हम डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करेंगे, वहां इस बात का यूज करेंगे। क्लियर हुआ। और जहां मैक्सिमा बनेगा वहां कितना एम्पलीट्यूड बन जाना है रिजल्टेंट, ए वन प्लस ए टू, करेक्ट। और किसी भी वेव की इंटेंसिटी ऑफ वेव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम्पलीट्यूड के। तो आई की मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए मैक्सिमम, और आई मैक्सिमम इक्वल्स हो जाएगा आपका के इंटू ए मैक्सिमम। ए मैक्सिमम कितना बताइए, ए वन प्लस, अच्छा मैं मिस्टेक कर गया यहां, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। इंटेंसिटी ऑफ वेव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कितना है, ए वन प्लस ए टू का स्क्वायर, और ये साथ में आ जाता है आपका एक कॉन्स्टेंट, वेव कॉन्स्टेंट। क्लियर है यहां तक की बात, पक्का एकदम कीजिए। When two waves superimpose each other, such that the intensity of resultant wave is maximum. The intensity of resultant wave is maximum. The superposition is called
कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, द सुपरपोजिशन इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड मैक्सिमा इज सेड टू बी फॉर्म्ड एंड मैक्सिमा इज सेड टू बी फॉर्म्ड एट द साइट ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एट द साइट ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. At the site of constructive interference. ठीक है, अब इसके बाद मैथमेटिक्स आ रही है. साइन थोड़ी सी यहां ऐड कर लीजिए, हालांकि उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी यहां हम n की वैल्यू जब जीरो रखेंगे तो कितना आएगा, जीरो, और वन रखेंगे 2 पाई, फिर अच्छा ये रहा, आ गया, पहले लिख दिया हमने, यहां भी इसे रिपीट कर सकते हैं. और यहां जब हम n की वैल्यू जीरो रखेंगे तो पार्ट डिफरेंस जीरो, नहीं नहीं जीरो रखना है, यहां डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में नहीं होता है. यहां वन जीरो रखेंगे तो पार्ट डिफरेंस जीरो, उसके बाद वन रखेंगे तो टू रखेंगे, तो फिर रिक्वायर्ड पाथ डिफरेंस की कंडीशन क्या क्या बनी, लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा एंड सो ऑन. और यहां फेज डिफरेंस की क्या कंडीशंस बनी, यहां फेज डिफरेंस की कंडीशंस बन जाती हैं 0, 2 पाई 4 पाई एंड सो ऑन. अच्छा हाँ राइट, जीरो, एन की वैल्यू जीरो रखकर जीरो आएगा. गुड, जाग रहे हो सबके सब. अब आगे लिखते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड द फॉर्मेशन ऑफ मिनिमा. तो लिख लिया था, फिर चलो हेडिंग ऐसी पैराग्राफ लिख लीजिए, आप पैराग्राफ नया बना लीजिए. क्या, वेन टू वेव्स सुपर इंपोज ईच अदर सच दैट द एम्पलीट्यूड एंड हेंस इंटेंसिटी ऑफ रिजल्ट सच दैट द एम्पलीट्यूड एंड हेंस द इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव इज मिनिमम एट द पॉइंट ऑफ इंटरफेरेंस सच दैट द एम्पलीट्यूड एंड हेंस द इंटेंसिटी अब बदल जाएगा सेंटेंस, दोबारा बोलूंगा तो क्या है दिखाओ. When two waves superimpose each other such that the amplitude and hence क्या लिख रहे थे, E N H N C लिख दिया, and hence H E N C and hence the intensity of resultant wave and hence the resultant intensity of resultant wave is minimum, comma the superposition is called destructive interference. The superposition is called destructive interference. Superposition is called destructive interference. And minima is said to be formed. And minima is said to be formed at the point of destructive interference. At the point of destructive interference. तो अब हम conditions find करते हैं किसकी, कि minimum intensity, minimum amplitude कब होगा. ठीक है, शुरुआत वहीं की वहीं करनी है, वो क्या, A equals square root of a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 cos phi. तो फिर फॉर a टू बी मिनिमम, फॉर a टू बी मिनिमम क्या होना चाहिए,
cos phi must be minimum. और cos phi की minimum value कितनी है? -1, है ना? cos 180 के लिए. और ये कब possible है? जब आपके phi की value हो 2n-1 into pi. तो यहां जब आप n की वैल्यू 1 रखेंगे, 0 नहीं स्टार्ट करना यहां हमने, यहां स्टार्टिंग है किससे? 1, 2, 3 and so on. तो जब आप 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा बोलो? 2 रखेंगे तो? ठीक है. अब कितना होगा मिनिमम? एम्पलीट्यूड मिनिमम कितना है? एम्पलीट्यूड मिनिमम है a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 इनटू -1. और ये a मिनिमम क्या बन जाएगा? a मिनिमम बन जाएगा a1 माइनस a2. ये माइनस नहीं है? माइनस नहीं है, माइनस है, ये स्टाइलिश माइनस है बस. इसका ये माइनस ही है, लेकिन इसका मीनिंग ये होता है कि अगर a1 बड़ा है तो a1 में से a2 सबट्रैक्ट कर दो, और अगर a2 बड़ा है तो a2 में से a1 सबट्रैक्ट कर दो. इट इज पॉजिटिव डिफरेंस, इट इज कॉल्ड पॉजिटिव डिफरेंस. ठीक है, ये आपका मिनिमम हुआ. ठीक है, अब अगर आपकी phi की वैल्यू, phi आपका कितना है? 2n-1 pi. तो किस किस फेज डिफरेंस पर होना चाहिए? एक तो हो पाई, 3 pi, 5 pi एंड सो ऑन. कॉरेस्पॉन्डिंगली पाथ डिफरेंस, कॉरेस्पॉन्डिंगली पाथ डिफरेंस, dx कितना बैठता है? वही लैम्डा बाय क्या? dx equals lambda by 2 pi into d phi. तो path difference कितना हो? lambda by 2 pi और dA कितना है? 2n-1 pi. pi से pi cancel हो जाएगा, तो आपका क्या बचेगा? ये बचेगा 2n-1 2 lambda. किस कौन कौन से lambda के लिए होगा? देखिए ध्यान से, n की value 1 रखिए तो lambda by 2, 2 रखिए 3 lambda by 2 and so on. Path difference होना चाहिए lambda by 2, 3 lambda by 2, या फिर phase difference होना चाहिए कितना? pi 3 pi. ठीक है, phase difference चलो उसको हम एक table की form में अलग बना लेंगे. कीजिए इतना जल्दी से. Interference के कारण जहां दोनों वेव, दो वेव एक दूसरे के साथ सुपर इंपोज हुई कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, वहां इंटेंसिटी बढ़ जाएगी. और कहीं अगर ऐसी कंडीशन बन गई कि दो वेव चलते हुए आपस में एक दूसरे को सुपर इंपोज कर गई अपोजिट फेस में, तो वहां की इंटेंसिटी कम हो जाएगी. ठीक है, इसका एक तो बहुत बड़ा फायदा ये हुआ इस चीज को समझने का कि अगर कहीं दो स्ट्रीम्स हैं, अननोन स्ट्रीम, दो धाराएं हैं, हमें नहीं पता कि वो वेव है या कोई मीडियम है, कोई मटेरियल है. हमें आसमान में दो धाराएं चलती हुई दिखाई दे रही, यहां से नहीं पता लग रहा कि वो कोई रोशनी की किरण है, प्रकाश है, कोई मीडी, कोई एनर्जी है या कोई चीज चलती हुई जा रही है, कोई मटेरियल पार्टिकल है. तो सीधी सी बात यह है कि उसका इंटरफेरेंस करा के देख लो. अगर इंटरफेरेंस कराने के बाद कहीं इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाए, कहीं इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाए, तो निश्चित रूप से वो वेव्स है. दो पार्टिकल कभी भी एक दूसरे को मिलकर एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म नहीं कर सकते. आपने एक पत्थर दीवार पर फेंक के मारा, एक निशान बन गया. आप दो पत्थर एक साथ फेंक के मार दो, दो निशान बन जाएंगे. ऐसा कभी नहीं होगा कि दो पत्थर एक साथ दीवार पर जाके लगे और दीवार पर कुछ ना हो, जीरो हो जाए दोनों का एक दूसरे का इफेक्ट, कभी पॉसिबल नहीं है.
लेकिन ऐसा पॉसिबल है कि दो वेव्स एक साथ जा रही हो और एक जगह सामने पहुंच करके दोनों एक दूसरे को अपोजिट फेस में सुपर इम्पोज कर दे। इत्तेफाक से अगर दोनों के एम्पलीट्यूड इक्वल हुए तो बिल्कुल जीरो हो जाएगी इंटेंसिटी, वेव्स ही खत्म हो जाएंगी, वेव्स का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा वहां, करेक्ट। तो एक तो ये चीज हमें हेल्प मिली समझने में, नेचर को समझने में कि एनर्जी या वेव या पार्टिकल में से कैसे हम डिसाइड कर सकते हैं कौन पार्टिकल है और कौन वेव है। पार्टिकल कभी भी इंटरफेरेंस नहीं देंगे, मतलब इंटरफेरेंस का ये कि डिक्रीज नहीं करेंगे एक दूसरे के इफेक्ट को, वेव ही है जो इंटरफेरेंस दे सकती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पीरियड में आगे।